हाय गाइस, दिस इज सी इंद्रेश गांधी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंपनीज एक्ट 2013 का कॉर्पोरेट विल थ्योरी का कंसेप्ट। लेकिन ये एक बार थ्योरी चालू करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमने पुराना जो हमने जितना भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उससे अच्छा होगा, हमको रिटेन करने में मदद मिलेंगी वो सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए आ जाइए। हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शन होते हैं और उसके साथ साथ 7 शेड्यूल्स होते हैं जिनको डिवाइड किया गया है 29 चैप्टर्स में। फिर हमने पर्पस ऑफ द एक्ट देखा था, फिर हमने मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी देखा। मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी में मैंने आपको बताया था एज पर सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये एक डेफिनेशन दी है जो ही बड़ी भैया डेफिनेशन है। क्या नाम था उसका? जैसे वो डेफिनेशन क्या थी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ करके। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। एप्लीकेबिलिटी से पहले हमने था कि प्रोफेसर हैने और जस्टिस मार्शल की भी डेफिनेशन थी जो दो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ खास नहीं किया, जो फीचर्स उठाए ना एक एक फीचर्स उठा के उसकी डेफिनेशन बना दी है और कुछ नहीं किया। फिर हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट देखा था। एप्लीकेबिलिटी में जो पहला वाला पार्ट है ना, पहला वाला पार्ट एज इट इज डेफिनेशन का उठा के ले लो। फिर दूसरा क्या, इंश्योरेंस बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये तीनों कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा जब इनका खुद का एक्ट और इनका जो खुद का एक्ट है और इनका जो अपना कंपनीज एक्ट है, जब इन दोनों के बीच में युद्ध होगा तो जीतेगा कौन? उनका खुद का एक्ट जीतेगा। मतलब जहां जहां डिफर होगा वहां वहां उनका एक्ट प्रिवेल करेगा। फिर मैंने आपको बताया था कोई स्पेशल एक्ट की कंपनीज है तो वो भी आ जाएंगी, उस पर भी एप्लीकेबल होगा, और कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंपनीज बोलती है उनको भी हमको एप्लीकेबल करा देना होगा। उसके बाद हमने देखा था फीचर्स ऑफ द कंपनी। फीचर्स ऑफ द कंपनी की बात करूं तो मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना है, फीचर्स ऑफ द कंपनी देखा तो दो बार तालियां बजा देना और कुछ नहीं करना है। क्या उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? क्लैप्स करके उसका शॉर्ट फॉर्म था। सी से आपको पता है कॉमन सील होता है, एस एल से होता है अपना लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, एल से, ए से होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन बेसिकली, पी से होता है यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन और एस से होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी की अगर मैं बात करूँ सबसे पहला जो फीचर्स है उसमें बोला गया है कि कंपनी अलग, मैनेजमेंट अलग, कंपनी अलग, शेयर होल्डर्स अलग, कंपनी अलग, क्रेडिटर्स अलग, कंपनी अलग, डेटर्स अलग, हर चीज अलग अलग और कुछ नहीं, डिफरेंट। देखो ये वाला ऑल टू डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स वगैरह सब चीज़ें। और कंपनी खुद के नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, हर चीज कर सकती है, कंपनी को कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि अ मेंबर डज नॉट इवन हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनी। मेंबर्स का तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता कंपनी में, हमने ये भी देखा था। उसके लिए मैंने आपको एक समझाया था मैरुका वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस लॉ केस से, कि वो जो मैरुका होता है वो खुद के पास स्टॉक रखता है, उसके बाद जब स्टॉक रहते वो जल जाता है स्टॉक, तो ऐसे केस में जो इंश्योरेंस से जो इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी कंपनी ने, जो मैरुका की कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी, उसकी लायबिलिटी नहीं होती है मैरुका को पैसा देने की। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूँ परपेचुअल सक्सेशन की। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स आएंगे और मेंबर्स जाएंगे लेकिन कंपनी हमेशा चलती जाएंगी, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था धीरूभाई अंबानी का और रतन टाटा जी का, रतन टाटा बोल रहा हूँ अपना, धीरूभाई अंबानी जी का और जमशेद जी टाटा का मैंने एग्जाम्पल लिया था। फिर मैं बात करूँ लिमिटेड लाइबिलिटी की, तो लिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा बोला गया है कि आपकी लाइबिलिटी जो मेंबर्स है ना उनकी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है कितनी, ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, अनपेड अमाउंट ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मैंने अगर आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं आपको जैसे फेस वैल्यू अगर 10 है शेयर की जिसमें से 2 पे हो चुका है, तो मैक्स टू मैक्स सिचुएशन में आप लोग 8 ही रुपये मंगवा सकते हो, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं मंगवा सकते। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूँ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की, मतलब क्या, यहाँ पे कंपनी को एक स्टेटस दे दिया गया है कि भाई आप एक अलग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो, आप कोई अलग नहीं हो, मतलब आप अलग ही हो। किससे बोल रहा हूँ मैं, आप कोई अलग नहीं हो इन द सेंस कि आप ऐसे पर्सन और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब आप अपने नाम से बैंक अकाउंट भी रख सकते हो, आप अपने नाम से हर चीज़ कर सकते हो जो एक पर्सन कर सकता है, सिवाय जो नेचुरल पर्सन जैसे ब्रीदिंग वगैरह एक्टिविटी हो गई ये सब चीजें नहीं कर सकती, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमने कॉमन सील देखा था जिसको कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के हिसाब से ऑप्शनल कर दिया गया था। ऑप्शनल करने के बाद क्या हुआ, आप कोई डॉक्यूमेंट को अगर ऑथेंटिकेट करना है तो इसमें दो चीजें हो जाएंगी, एक तो आपके पास कॉमन सील है तो कॉमन सील है तो उससे कर लो, कॉमन सील नहीं है लेकिन कॉमन सील नहीं है तो और कंपनी सेक्रेटरी है आपके पास तो कंपनी सेक्रेटरी और उसके साथ साथ एक डायरेक्टर की साइन लगेंगी। कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं है आपके पास, सीएस नहीं है हमारे, तो उसके बाद आपको दो डायरेक्टर्स की साइन लगने वाली है। ठीक है, चलिए अभी तक हमने इतना पार्ट देख लिया था, अब आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, कॉर्पोरेट विल थ्योरी है। कॉर्पोरेट विल थ्योरी आज हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से अच्छे से पढ़ना है हमको कॉर्पोरेट विल थ्योरी कंसेप्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम में अच्छे हो भी सकता है पूछा जाए, मतलब एग्जाम में चांसेस ज्यादा है कॉर्पोरेट विल थ्योरी आने के। और मैं आपको बता दूं इसका सेम एप्लीकेशन आपको जो आईपीसीसी जो हमारा नेक्स्ट लेवल है ना उस पर भी आपको सेम एप्लीकेशन आता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा सिर्फ कॉर्पोरेट व्हील की, मतलब कॉर्पोरेट व्हील आखिर होता क्या है, मैं इसकी बात करूंगा। कॉर्पोरेट व्हील मतलब होता क्या है, हम लोग सब इतना समझना है कि कॉर्पोरेट व्हील मतलब क्या। सबसे पहले व्हील मतलब पर्दा,
ठीक है। व्हील मतलब क्या, पर्दा। पर्दा मतलब अपना वो कर्टन्स वगैरह जैसे होता है ना, वो होता है। ठीक है, देखो कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट क्या बोलता है। जैसे हमने सेपरेट लीगल एंटिटी, हम लोग ऑलरेडी, हमको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। कंपनी अलग, शेयर होल्डर्स अलग, कंपनी अलग, क्रेडिटर्स अलग, कंपनी अलग, डेटर्स अलग, कंपनी अलग, मैनेजमेंट अलग, हम सबको पता है ये चीजें। ठीक है, तो उसी चीज का एक्सटेंशन कर दिया गया है कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट में। कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट में बोला गया है कि जब भी कोई शेयर होल्डर, जब भी कोई मैनेजमेंट या शेयर होल्डर्स कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मान लिया जाएगा कि ये कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूँ यहाँ पे, जैसे देखो ठीक है, ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी है मान लो, है ना, ये जो कंपनी है, ये कंपनी, ये कंपनी जो है ना, ये रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस कंपनी कौन है? रिलायंस। ये क्या करते हैं, बाहर वालों के साथ है ना ट्रांजैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, अब कंपनी तो खुद जाके ट्रांजैक्शन कर नहीं सकती है। मुकेश अंबानी जाके ऑल प्राइसेस डिस्कस करेगा कि आपने मुझे यही प्राइस पे खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम जानते हैं। कंपनी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी के बिहाफ में मैनेजमेंट जाके जरूर कर सकता है। मैनेजमेंट जाता है, ट्रांजैक्शन इन्वोक करता है और कुछ गलत कर देता है। मान लीजिए जिस सिचुएशन में कंपनी पे लायबिलिटी आ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या शेयर होल्डर्स पे वो लायबिलिटी ट्रांसफर होंगी क्या? मैं आपको अगर बात करूं तो शेयर होल्डर्स पे वो लायबिलिटी ट्रांसफर, तो कंपनी पे वो शेयर होल्डर्स पे लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होंगी। ठीक है, देखो क्या है, अगर रिलायंस की कोई भी जाके मैनेजमेंट अगर बाहर वालों के साथ ट्रांजैक्शन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रिलायंस पे कल चल के जो भी एंटर हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट, वो खुद रिलायंस कर रहा है। मतलब मान लिया जाएगा शेयर होल्डर्स कुछ डिसीजन ले रहे हैं, मैनेजमेंट कुछ डिसीजन ले रही है, तो कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट इनकर किया है, कोई बाहर वाला नहीं किया है। मतलब ही क्या, जैसे देखो यार, हम लोगों ने वो कठपुतली का खेल देखा है ना। कठपुतली के खेल में क्या होता है, नीचे वो जो नीचे जो वो परफॉर्मेंस होते रहता है ना, वो चीजें चलते रहती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला तो पीछे, पर्दे के पीछे होता है ना। सेम उसी तरह होता है, कंपनी हमको नाम पे दिख रहा है। हमने जब देखा कि कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ, तो हम बोलेंगे रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन क्या कंपनी ने किया है क्या? नहीं, उसके पीछे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग तो कोई और है ना साहब, उसके पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग है वो कोई और है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील का थ्योरी है। मतलब क्या, जैसे देखो रिलायंस जो भी ट्रांजैक्शन, रिलायंस जो है ना, जो भी ट्रांजैक्शन रिलायंस कर रहा है ना, तो वो उसके वहां पे पर्दा है। मतलब क्या, ऐसा मान लिया जाएगा कि रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, चाहे उसका वो जो ट्रांजैक्शन को इनकर करने वाले मैनेजमेंट हो या कोई भी हो। तो ये है बेसिकली कि मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी हमने पढ़ा है ना कंसेप्ट, बस उसी का कंसेप्ट और कुछ नहीं है, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, और कुछ ज्यादा ध्यान में मत रखो। इसमें एक केस लॉ आया था, बहुत ही प्यारा केस लॉ है, सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन का। मैं आपको बढ़िया डायग्राम ड्राइंग डिजाइनिंग से आपको समझाता हूं कि क्या है सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन का केस लॉ। ठीक है, चलो आपको अच्छे से समझाता हूं मैं सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन का केस लॉ। आ जाओ देखो, एक है ना पर्सन होता है जिसका नाम होता है सैलोमैन करके, ठीक है, हाँ, एक है ना पर्सन होता है सैलोमैन करके। ठीक है, देखो सैलोमैन करके एक बहुत ही बढ़िया खुशनुमा पर्सन होता है जिसका नाम है क्या, सैलोमैन। अब ये जो सैलोमैन है ना, इसका है ना एक बिजनेस होता है। इसका क्या होता है, इसका है ना बिजनेस होता है, इसका जो बिजनेस है ना वो बूट मैन्युफैक्चरिंग का है। काय का है? बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, जूतों का काम है साहब, बहुत बढ़िया काम है। ठीक है, तो अब सैलोमैन सोचता है क्यों ना अपने कंपनी में कॉर्पोरेटाइजेशन का कल्चर लाया जाए और क्यों ना अपने कंपनी को बढ़ाया जाए। तो वो सोचता है मैं एक कंपनी खोलूंगा अब, जिसका नाम होगा सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड। ये जो हम केस लॉ देख रहे हैं ना, देखो आप लोग भी मेरे साथ नोटबुक में बनाते रहिएगा ये चीजें। ठीक है, देखो सैलोमैन एंड सैलोमैन कंपनी लिमिटेड का केस लॉ, सैलोमैन करके इसका बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है। फिर ये क्या करता है, एक कंपनी बनाता है। प्रॉपर बनना चाहिए तो मजा आता है ना। देखो अब प्रॉपर बनाओ, सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी बनाता है
और क्या करता है ये कंपनी को, क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, ये कंपनी बनाया तो उसको अपना जो बूट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है ना ट्रांसफर कर देता है। अगर अब ये उसको, ध्यान रखो, अगर ये बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है तो सामने से भी कुछ ले रहा होगा ना। आप अगर दुकान में सामने वाले को पैसे देते हो तो आप उससे कुछ ना कुछ तो खरीदोगे ना चीजें, कंसिडरेशन के बजाय कंसिडरेशन तो आपको मिलना चाहिए ना। तो इसने क्या किया, उसको ट्रांसफर किया बिजनेस, और इसने खुद के लिए, इसने क्या किया, खुद को मंगाए इसने शेयर्स, डिबेंचर एंड कैश। ठीक है, शेयर्स डिबेंचर एंड कैश में इसने अपना कंसिडरेशन लिया। इसने साथ ही साथ, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो पहले के जमाने में 1% कंपनी टाइप कंसेप्ट नहीं होता था तो मिनिमम 2 मेंबर्स तो लगते ही थे। तो इसने क्या किया, सोचा अपने घर वाले जो लोग हैं ना उनको भी शेयर्स एक एक इशू कर देता हूँ, उनका भी भला हो जाएगा। तो इसने क्या किया, जो अदर पार्टीज है ना, इसने क्या किया, अदर पार्टीज को भी इसमें, जिसमें उसकी वाइफ थी, सन्स थे और ठीक है डॉटर थी, उनको भी उसने शेयर्स इशू करवा दिया। उनको भी उसने शेयर्स इशू करवा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, धंधा धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है, बढ़िया अच्छे से चल रहा है धंधा। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है कि बूट मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है ना, यहाँ पे मतलब हो सकता है लिबरलाइजेशन, कॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से क्या हुआ, बाहर वाले जब बड़े बड़े कंपनीज आने लगी तो ऐसे सिचुएशन में इसका धंधा डूब गया। क्या हुआ, ऐसे सिचुएशन में इसका धंधा डूब गया। अब इंडिया का तो है नहीं भाई, फॉरेन का है, तो वहां पे हो सकता है कोई कॉम्पिटिशन के कारण इसका धंधा डूब गया, लिक्विडेट हो गया इसका बिजनेस, खत्म ही हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको अगर, उससे पहले मैं एक बात बताऊं, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है ना तो उसमें प्रायोरिटी दी जाती है, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स होता है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या होता है, पहले सिक्योर्ड वालों को दिया जाता है और दूसरा अनसिक्योर्ड वालों को पेमेंट किया जाता है, और तीसरा जो होता है ना वो दिया जाता है ओनर्स को, मतलब हमारे शेयर होल्डर्स को। ये प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स होता है, उसके हिसाब से पेमेंट। आपने आईपीसीसी में इसकी डिटेल अकाउंटिंग है, आप आराम से पढ़ोगे उसमें, आपको चिंता करने की गरज नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, अब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना वो डूब गया, इसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डूब गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसे सिचुएशन में अब ये क्या करता है, जाके अब ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डूब गया तो इसकी जब बैलेंस शीट देखी गई तो पहले देखो, अगर कोई बिजनेस डूबता है ना तो सबसे पहले असेट को बेचे जाते हैं और वो असेट से जो भी पैसा मिला वो लाइबिलिटीज को पेमेंट की जाती है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब इसका ये देखा गया, जब इसकी बैलेंस शीट देखी गई तो असेट्स दिखे और लाइबिलिटी दिखे। अब लाइबिलिटी जो दिखी उसमें डिबेंचर्स दिखे और उसमें क्रेडिटर्स दिखे। जब असेट्स को बेचा गया तो असेट्स को बेचने के बाद, मान लीजिए यहां पे मैं आपको सिर्फ आपको समझे इसलिए अमाउंट ले रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पे जो असेट्स बेच के जो अमाउंट आया ना वो मान लीजिए 10,000 आया। ठीक है, क्रेडिटर्स का पेमेंट बचा था 7,000 रुपए का और डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट था, डिबेंचर होल्डर्स जो है वो है 11,000 का। ठीक है, अब 10,000 रुपए जो आए ना वो सैलोमैन को दे दिए गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट के हिसाब से सबसे पहले सिक्योर्ड, और सिक्योर्ड में डिबेंचर कवर होता है भैया, डिबेंचर जो है ना वो चार्ज ऑन असेट क्रिएट करता है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको पेमेंट देना जिम्मेदारी बनती है कंपनी की, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आती है डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की, क्योंकि वो लोन स्वरूप माना जाता है। डिबेंचर जो होता है वो जो लोन स्वरूप माना, डिबेंचर इज जैसे देखो शेयर के बदले कंपनी पैसे लेती है ना, वैसे उसी प्रकार जब लोन के, अब शेयर से तो आपको ओनरशिप दी जाती है लेकिन अगर आपको ओनरशिप नहीं देना है अपने कंपनी की तो आप लोग डिबेंचर्स इशू करते हो बाहर मार्केट में। डिबेंचर्स इशू करना मतलब जैसे आपको नहीं जाना यार, आपको एसबीआई से लोन नहीं लेना, आपको जनरल पब्लिक से, एसबीआई के पास अगर आप कोई भी बैंक के पास जाके अगर लोन लेते हो ना आपको कोलैटरल जमा कराना पड़ता है, लेकिन डिबेंचर के केस में वैसा नहीं रहता है, झंझट थोड़ी रहती है ज्यादा लेकिन वैसी सिचुएशन नहीं रहती है। ठीक है, और आपको फायदा होता है, अगर आप बैंक से लेते हो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है लेकिन डिबेंचर के केस में आपको कम इंटरेस्ट पेमेंट से भी चल जाएंगी सिचुएशंस। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, डिबेंचर्स इशू करते हो मार्केट में, जस्ट एक फॉर्म होता है, एक कुछ नहीं ऐसा एक कवर होता है, जैसे शेयर्स होता है वैसे एक डिबेंचर टाइप होता है, डिबेंचर आप देते हो मार्केट में, आप उनसे पैसा उठाते हो और ये लोन टाइप दिखता है हमारे इसमें, और ये लोन होता है सिक्योर्ड वाले नेचर का। अब सिक्योर्ड वाले नेचर का जब लोन है तो ऑब्वियस ही बात है प्रायोरिटी पेमेंट में इसको पहला दिया गया, मतलब आपको सबसे पहले जब असेट से जो भी पैसा मिलेगा ना आपको डिबेंचर्स वालों को देना पड़ेगा।
तो ये जो 10,000 है ये दे दिया जाता है सैलोमैन का। क्यों? क्योंकि 11,000 की लाइबिलिटी दिख रही थी, अब 10,000 ही हमको असेट से मिला तो हमने पेमेंट कर दिया। तो क्रेडिटर्स वाले चिल्लाते हुए गए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और बोला, माय ऑनर देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये कंपनी जानबूझ के डुबाई गई ताकि हमारे भी पैसे डूब जाए। उसने खुद के तो पैसे निकाल लिए लेकिन हमारे पैसे तो चले गए ना साहब, ये गलत है। जब जब देखो जब ये कंपनी ही सैलोमैन की थी, मोस्टली जितने भी शेयर्स थे ना वो पूरे इसी के या इसके ही फैमिली मेंबर्स, इसी के रिलेटेड पार्टी ने होल्ड किया है, तो कंपनी और इसमें डिफरेंस क्या है? कंपनी और वो तो एक ही है। ऐसे क्रेडिटर्स बोल के चले गए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, बहुत चिल्लाया उन्होंने, बहुत अफरा तफरी मचाई। लेकिन फिर जो जजमेंट दिया हमारे ऑनर ने वो क्या बोला कि देखो जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है ना तो माना जाता है कि कंपनी अलग होती है और उसको बनाने वाला जो मेंबर्स है वो अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग, कंपनी अलग। उन्होंने ऑनर ने मेरी क्लास की थी ना भाई, ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने सीखा था मेरे से, उन्होंने वो जानते थे प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। उन्होंने बोला कि कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, क्रेडिटर्स अलग, कंपनी अलग, मैनेजमेंट अलग, ऐसा बताया उन्होंने, ऐसा उन्होंने फट से बता दिया उनको और बोला कि ये जो 10,000 का पेमेंट है ना ये तो हमको इसको ही देना पड़ेगा, मतलब किसको, डिबेंचर्स होल्डर्स को ही देना पड़ेगा। तो इसको बोला गया लैंडमार्क जजमेंट होता है ये। लैंडमार्क जजमेंट मतलब क्या? यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी आ गई। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी आई मतलब क्या? यहाँ पे मतलब व्हील ला दिया गया कंपनी के बीच में और सैलोमैन के बीच में, मतलब कंपनी अलग है और सैलोमैन अलग, दोनों के बीच में पड़ रहा है। भले ही उसको कंपनी को कंट्रोल करने वाला सैलोमैन है, कंपनी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? सैलोमैन ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पर्दा डाला गया ना उसके कारण ऐसा माना जाएगा कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिर्फ किससे हुआ? कंपनी से हुआ। किनका? क्रेडिटर्स का। सैलोमैन के साथ कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ उनका। तो ये था लैंडमार्क जजमेंट हमारा, कौन सा? सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन का। मैं फट से आपको क्विकली रिकैप करा देता हूं कि ये जजमेंट में हुआ क्या था। हम देख रहे हैं सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड का केस लॉ, जिसमें एक पर्सन जिसमें एक पर्सन होता है सैलोमैन करके, उसका सबसे पहले बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है जो वो ट्रांसफर करता है कंपनी को और कंपनी से ले लेता है शेयर्स, डिबेंचर्स और बैलेंस इन कैश और अदर पार्टीज। सिंस वन पर्सन कंपनी का वो समय कंसेप्ट नहीं था तो वाइफ को, सन्स को और उसके डॉटर को भी इशू करा देता है शेयर्स कंपनी के। कुछ समय बाद कंपनी हो जाती है खत्म, मतलब कंपनी का बिजनेस हो जाता है लिक्विडेट। जैसे ही कंपनी का बिजनेस हुआ लिक्विडेट तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स के हिसाब से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट दिया जाएगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आता है डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को मतलब, और उसमें से डिबेंचर होल्डर जो था वो सैलोमैन ही था। क्रेडिटर्स को आया गुस्सा, क्रेडिटर्स गए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, बोला ये तो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, माय ऑनर कुछ कीजिए। ऑनर ने बोला नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, जज ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी का एक फीचर ही है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उन्होंने मेरी क्लास की थी तो उन्होंने बोल दिया फटाक से कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट होता है, तो ये गलत नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये गलत नहीं हुआ, मतलब ये जो 10,000 जो दिया गया उनको ये गलत नहीं हुआ करके ऐसा। हां, अगर असेट से हमको 12,000 मिला रहे तो 11,000 डिबेंचर होल्डर को दिया जाता और 1,000 किनको दिया जाता? क्रेडिटर्स को दिया जाता। 20,000 मिला होता तो 11,000 दिया जाता डिबेंचर होल्डर्स को, 7,000 दिया जाता क्रेडिटर्स को और 2,000 बचा कुचा दिया जाता ओनर्स को, मतलब ही सैलोमैन को फिर से मिला जाता था क्योंकि शेयर्स उसके पास है कंपनी के। ठीक है, तो ये होता है कांसेप्ट हमारा, किसका? कॉर्पोरेट व्हील का कांसेप्ट होता है। एक बार मैं आपको रीड करा देता हूं और आपको अच्छे से पूरा समझा भी देता हूं। ठीक है, देखो अच्छे से रीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो, कॉर्पोरेट व्हील क्या बोला? कॉर्पोरेट व्हील रिफर्स टू द लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स। हम जानते हैं क्योंकि हमने प्रिंसिपल देख चुके हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का। उसके बाद द टर्म कॉर्पोरेट व्हील रिफर्स टू द कंसेप्ट दैट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। मेंबर्स कौन था? यहाँ पे सैलोमैन था। अब सैलोमैन की जो लाइबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। हमने ये भी देखा है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ये जो है ना, बेसिकली और कुछ नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। ये जो बोला ना लिमिटेड लाइबिलिटी पे बोला, हमने फीचर देखा है ना लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर, बस ये वो कि कंपनी के एक्शन के कारण कोई मेंबर्स पे लाइबिलिटी कभी नहीं आएंगी, सिर्फ उतनी आ सकती है जितनी अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर है। द कंपनी इनकर्स एनी डेब्ट, कंपनी अगर कोई डेब्ट इनकर करती है और कॉन्ट्रावीन एनी लॉस, द कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट इंप्लाइज दैट मेंबर्स शुड नॉट बी लायबल फॉर दोज एरर्स। कंपनी ने गलत किया तो मेंबर्स का क्या दोष? इसका मतलब ये है और कुछ नहीं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। कॉर्पोरेट इंसुलेशन मतलब कंपनी, मतलब एक कॉर्पोरेट उनको स्टेटस दिया जाता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का स्टेटस है, मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी तुम्हारे मत थे और कुछ नहीं। नेक्स्ट केस लॉ सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन को यहाँ पे डिस्कस किया गया, जो मैंने आपको समझाया ना सेम चीज यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किए, यहाँ पे उन्होंने फिगर्स के साथ डिस्कस किए। आपको फिगर्स वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको संक्षेप में बताया बस उतना केस लॉ ध्यान में रख लीजिए। आप अपने वर्ड्स में भी केस लॉ को लिख के आ सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट को। ठीक है, ये जो
लॉर्ड मैक नॉटन करके है ना, उन्होंने क्या बोला देखो, मतलब जो जजमेंट जो फाइनल वर्डिक्ट आया ना वो क्या आया देखो, अ कंपनी एट लॉ इज डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स। मतलब क्या जो सैलोमैन एंड सैलोमैन कंपनी लिमिटेड है ना, ये अलग है सैलोमैन से, मतलब सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम मतलब सैलोमैन से। एंड दो इट मे बी दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बिजनेस इज प्रिसाइसली द सेम एज इट वॉज बिफोर, द सेम मैनेजर्स एंड हैंड्स प्रॉफिट वगैरह, मतलब हो सकता है मान देखो कंपनी फॉर्म हो गई ना तो कंपनी उस समय से अलग हो जाती है उसके सब्सक्राइबर से। हो सकता है कि बिजनेस सेम हो, उसको हैंडल करने वाले सेम पर्सन हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन कंपनी एक कॉर्पोरेट इंसुलेशन का दिया जाता है, कंपनी को एक कॉर्पोरेट स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में वो हम लोग बोलेंगे कि कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट आता है, ठीक है। एक बार पूरा गो थ्रू कर लीजिए इसको, और जो मैंने हाईलाइट किया है ना उतना हाईलाइट कर लीजिए, ड्रॉइंग बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। ये भी मार्क कर लीजिए, केस लो बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लो, अच्छे से पढ़ के जाना इसको, एग्जाम में पूछने के बहुत चांसेस रहते हैं बच्चों। चलिए फटफट पढ़ लीजिए इसको, और हमारे नोटबुक में ये भी कॉपी कर लीजिए, सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन का केस लॉ, मैंने आपको बोला था ना 200 पेजेस वाली नोटबुक, इसमें उसको भी कॉपी कर लीजिए। लीजिए फुल स्क्रीन कर लिया, इसको पॉज कर लीजिए लेक्चर को, और या फोटो भी खींच सकते हैं और बाद में कॉपी कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये देखो, ये जितना भी है ना होल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये किस पे बेस्ड है, क्या बोला है यहाँ पे, बेस्ड ऑन सेपरेट लीगल एंटिटी का। आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो जो केस लॉ है, आपको एज इट इज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद के लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। बस चीजों को ध्यान में रखिए, केस लॉ है करके वो चीजों को ध्यान में रखिए, और कुछ नहीं। पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ लिया हूँ आपने, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट, ठीक है। अब जो हमने एक प्रिंसिपल देखा, अभी कॉर्पोरेट वेल का हमने प्रिंसिपल देखा, ठीक है, उसके मतलब क्या बोला कि जो लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी है वो ट्रांसफर नहीं होंगी मेंबर्स वगैरह को, वो शील्ड कर दी जाती है लाइबिलिटीज को, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो प्रिंसिपल आया ना, तो ऐसे सिचुएशन में लोगों के लोग बहुत शातिर है, लोग बस यही देखते रहते हैं कि कहाँ पे मैं प्रोविजन को तोड़ूं और कुछ गलत करूं करके का। तो लोगों ने क्या चालू कर दिया, मस्त एक काम का चालू कर दिया, मतलब क्या ये क्या करते थे, जैसे कंपनी बनाई, कंपनी से कुछ फ्रॉड वॉड इन करके, और बोले हमने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी किया कंपनी ने किया, हमारी थोड़ी गलती, जो भी कर रही है कंपनी, कंपनी मीन सेपरेट लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जो करना है कंपनी को करो, हमको मत करो, मतलब जो भी करना है आपको कंपनी को जेल में डालो, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो भी डालना है कंपनी के लेके जेल में डाल दो, जो करना है करो, जो चीज करना है जलाओ फाड़ो, जो करना है करो, कंपनी के साथ करो, कंपनी को फांसी पे चढ़ाओ, हमारी कोई गलती नहीं भैया। तो लोग क्या करने लगे ऐसे सिचुएशन में, फ्रॉड करने लगे, फ्रॉड करने लगे, तो गवर्नमेंट को विषय चिंता आई कि अब करे तो करे क्या। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला, मतलब ऐसे सिचुएशन में हमारे कंपनीज एक्ट बोला, बेसिकली कंपनीज एक्ट ने बोला कि ऐसे अगर कंपनी कुछ गलत करती है, तो उन्होंने सिचुएशंस मेंशन कर दी कि ये जब सिचुएशन होंगी तो हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करेंगे। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल करेंगे मतलब क्या, जैसे देखो कंपनी, कंपनी के सामने क्या ना पर्दा है, बेसिकली ये कंपनी के ऊपर पर्दा है, तो सामने आपको कौन दिख रहा है, कंपनी दिख रहा है, लेकिन अब हम पर्दे को हटाने की बारी आ गई है। मतलब आखिर इसके पीछे किसका शातिर दिमाग है, कौन है वो इंसान जिसने ये पर्टिकुलर चीजें करके रखी है, जिसने ये फालतू वाली चीजें करके रखी है, उसके उसको हम पर्दाफाश करेंगे और उसको जेल में डालेंगे, उसको कल्प्रिट मानेंगे हम लोग, कंपनी को ना मानते हुए मतलब डिसरिगार्ड करेंगे कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट, और उठा देंगे पर्दा और देख लेंगे आखिर ये कठपुतली का खेल खेल कौन रहा है करके, उसको बोलते हैं हम लोग लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके, ठीक है। चलिए देखो, बहुत अच्छा समझ रहा है आपको, मैं जानता हूं आपको समझ रहा हूं, बहुत ही आसान चीजें, और कुछ नहीं। देखो जैसे
इट मीन्स लुकिंग बिहाइंड एज अ लीगल, लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन, दैट इज डिसरिगार्डिंग, क्या बोल दिया यहाँ पे, डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड पेइंग री रिगार्ड इंस्टेंट रियलिटीज बिहाइंड द लीगल पेशियट। मतलब ये जो कांड क्रिया कर्म किया है ना, ये आखिर किया किसने है भैया, ये बोलने के बाद ही इनकी मतलब डिसरिगार्ड करेंगे किसको, लीगल पर्सन को, और उसके पीछे देखेंगे हम लोग आखिर है कौन इसके पीछे शातिर दिमाग, हम उसकी बात कर रहे हैं। वेयर द कोर्ट इग्नोर्स द कंपनी एंड कंसर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली विद द मेंबर्स ऑफ मैनेजर। मतलब जब कोर्ट ने कंपनी को हटाया, जैसे देखो कोर्ट ने, जैसे रिलायंस ने कोई फ्रॉड वॉड किया और कंपनी और कोर्ट में मैटर जाता है, तो कोर्ट क्या करेगा, रिलायंस को हटाएगा और देखेगा कि फ्रॉड किसने किया, अच्छा मुखिया ने किया, मुकेश अंबानी ने किया फ्रॉड, चलो मुकेश को जेल में ला लो करके। तो ऐसे सिचुएशन में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके, ठीक है। देखो वेयर द कोर्ट्स ignore the company and concern themselves directly with the members and the managers, the corporate veil may instead to have been lifted, may said to have been lifted. Only in appropriate circumstances the courts are willing to lift the corporate veil and that too when the question of control are involved rather than merely question of ownership करके। ये जो चीज़ है ना, मैं आपको बाद में अच्छे से एक बार हम जब ये चारों केसेस देख लेंगे तो आपको ये चीज़ समझेंगी, ठीक है। चलो इसलिए इसको मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको मैंने मार्क करके रख दिया करके, ठीक है। एक बार ये केसेस देख ले फिर हम लोग उसके ऊपर जाते हैं। देखो केसेस इन्वॉल्व इन लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, क्या ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। केस स्टडीज देखे रखिए कि कौन से सिचुएशन में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब पर्दे को उठा दिया जाएगा और उसके पीछे जो एक्चुअल पर्सन है उनको पापी करार कर दिया जाएगा, ऐसे सिचुएशन में इन्होंने देखे रखे केसेस, ठीक है। चलिए सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ तो डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी इज एनिमी और फ्रेंड, कंपनी इज एनिमी और फ्रेंड। देखो ये है ना, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा केस लो पहले, छोटा सा एक सिचुएशन समझा देता हूँ, उसके बाद आपको समझ जाएगा कि एनिमी फ्रेंड क्या होता है। आपने अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा नहीं है, आपका पहली चीज चल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता नहीं है एनिमी या फ्रेंड किसको बोलना, तो मैं आपको एक समझा देता हूँ बैकग्राउंड में एक बढ़िया से इसमें, ठीक है। चलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एनिमी या फ्रेंड कौन होता है मैं आपको वो बताता हूँ अभी, चलो आ जाओ। देखो ये हमारा भारत देश है ना, ये हमारा इंडिया, और बाजू में है हमारा पाकिस्तान, बाजू में है हमारा पाकिस्तान, ठीक है। अब क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ जाती है, ठीक है, वॉर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन में देखो आपको पता है कि हम लोग पाकिस्तान से है ना, पाकिस्तान में डेट्स वगैरह बहुत बनती है, जैसे खजूर वगैरह जो होती है ना बहुत वहाँ पे उगती है, तो हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें और हम लोग वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी है जो पाकिस्तान से है ना खजूर वगैरह इम्पोर्ट कराती है, ये सब चीज़ें स्पाइसेस वगैरह वहाँ से इम्पोर्ट कराती है, ठीक है, वहाँ से क्या करते हैं अपन, इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। अब एक जनरल ट्रेड जब हमारा है ना किसी कंपनी के साथ बार बार आदान प्रदान होता है ना, तो हमारा एक क्या बोलते हैं, तो हम लोग वहाँ पे एक क्रेडिटिक वाले क्रेडिट करके हम क्रेडिट पे ले लेते हैं उनसे चीज़, क्रेडिट पे मतलब उधारी पे हम लोग माल लेने का एक कंसेप्ट आ जाता है, जब भी हम क्रेडिट वगैरह पे ले सकते हैं, एक हमारे टर्म्स डिसाइड हो जाते हैं बार बार हम लोग ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने वो कंपनी से माल खरीदा और बीच में ही हमारा पेमेंट दे, हम 2 महीने का जनरली क्रेडिट पीरियड अलाउड रहता है 60 डेज का, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में विद इन वो 60 डेज पूरे होने से पहले ही बीच में वॉर डिक्लेयर हो गया। अब वॉर डिक्लेयर हो गया तो ऑब्वियसली बात है वो पाकिस्तान, अब 60 वॉर डिक्लेयर हो गया, वॉर तो क्या एक दिन का चलता नहीं है, हो सकता है लंबा पीरियड चल रहा है, तो बीच में हमारी ड्यू डेट आ गई और पाकिस्तान के इसका फोन आता है इसको कि भाई मुझे मेरा पेमेंट करो करके। तो ऐसे सिचुएशन में अब देखा जाए, अब तो क्या है, वॉर छिड़ा हुआ है, वॉर छिड़ा है मतलब क्या, वो एंट्री मतलब वो कंट्री या कंट्री के सारे लोग हमारे लिए क्या हो गए, एनिमी हो गए भैया,
देखो आपका जनरल बिजनेस होता है, माना आपका जनरल बिजनेस होता है, लेकिन अभी सिचुएशन कैसी है, अभी तो वॉर की सिचुएशन है ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे पाकिस्तान या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी लोग हो जाते हैं तो वो हमारे लिए अभी एनिमी हो जाएंगे करके, ऐसे अगर वॉर होता है तो। वॉर की अगर सिचुएशन नहीं है तो भाई भाई फिर से फ्रेंड हो जाता है, लेकिन अगर अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वॉर हुआ तो ऐसे सिचुएशन में वो बन जाएंगे एनिमी। तो आप बस इतना ध्यान में रख लो कि एनिमी हम लोग बोलते हैं किसको, ठीक है। अगर जिस भी कंट्री के साथ हमारा वॉर वगैरह होता है तो हम लोग बोलेंगे वो कंट्री या वो कंट्री से सारे लोग हमारे क्या बन जाते हैं, वो कंट्री से रिलेटेड सारे लोग हमारे क्या बन जाते हैं, क्या बन जाएंगे हमारे, एग्जैक्टली एनिमी बन जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ अब हम लोग देखते हैं इसका कंसेप्ट। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी दैट इज टू फाइंड आउट वेदर एनिमी और फ्रेंड करके एक केस लॉ दिया है यहाँ पे, पहले केस लॉ को समझेंगे उसके बाद चीजों को समझेंगे तो आपको फटाक से क्लियर हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ साथ लिखना चालू करोगे केस लॉ भी, ठीक है। केस लॉ का नाम क्या है, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, ठीक है। हाँ तो केस लॉ है हमारा कौन सा, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। देखिए इसमें है ना, यह है इंग्लैंड, क्या है इंग्लैंड, और ये है जर्मनी। ये है इंग्लैंड और ये है जर्मनी। देखो क्या होता है, इंग्लैंड में ना एक कंपनी होती है, इंग्लैंड में एक कंपनी होती है जिसका नाम है क्या, कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, जिसका नाम क्या है, नहीं होगा कोई बात नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा, हम तो चांद छिड़ के लाएंगे तुम्हें, पिस्ट इसका नाम क्या है अपना, ये नाम है इसका, ठीक है, कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी इसका नाम है, ठीक है। ये कंपनी का पर्टिकुलर कंपनी का नाम है कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये जो कंपनी है ना, इसमें क्या है, इसके जो मेंबर्स है, ये कंपनी के जो मेंबर्स है ना, तो इसमें से एक जो है वो इंग्लैंड का है और जो जितने भी बाकी मेंबर्स है वो जर्मन के हैं, ठीक है, जर्मन से, वो जर्मन से, और जो मैनेजमेंट है वो भी जर्मन्स के हाथ में है, ठीक है। ये कंपनी के अंदर की बात है, ठीक है, मैंने आपको बता के रख दिया कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है। अब नाम से ही दिख रहा है कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, इस कंपनी का काम क्या है, टायर मैन्युफैक्चर करना और उसको मार्केट में ले जाके बेचना इस कंपनी का काम है, ठीक है। तो इस कंपनी से खरीदने के लिए एक दूसरी कंपनी जिनका नाम है डेमलर एंड कंपनी करके, ठीक है, कंपनी करके है, जो दूसरी कंपनी है वो कंपनी इनके साथ ट्रांजैक्शंस करते रहती है, उनके साथ ट्रांजैक्शंस करते रहती है, ठीक है। आपस में ये लोग ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, ये इनसे टायर्स खरीदती है, इनको पेमेंट करती है, इनको टायर्स खरीदती है, इनको पेमेंट करते रहती है। तो मान लीजिए इन्होंने इनको टायर सप्लाई किया था, क्या किया था इन्होंने, इनको टायर सप्लाई किया था, ठीक है ना, इनको टायर सप्लाई किया था इन्होंने, ये इन्होंने इनको टायर सप्लाई किया था, ठीक है, सप्लाई आपको समझ गया ना, बता रहा हूँ आपको, टायर सप्लाई किया था इनको। तो और तो अब इनको टायर सप्लाई किया तो ऑब्वियस सी बात है डेमलर एंड कंपनी की अब लाइबिलिटी हो जाती है। डेमलर एंड कंपनी के अंदर जो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें जो कंटिनेंटल टायर का अकाउंट जो दिख रहा है ना, उसमें क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। क्रेडिट बैलेंस दिखना मतलब ही क्या, वी आर लाइबल टू पे टू दैट कंपनी, दैट पर्टिकुलर पार्टी से हम लोग, हम उनको पेमेंट करने के लिए हम हकदार है, हमारा हक है उनको पेमेंट करने का, उनके सामने वाले का हक है हमसे लेने का, हम लायबल है उनको पेमेंट करने के लिए। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, बीच में ही यहाँ पे वॉर डिक्लेयर हो जाता है जर्मन्स और इंग्लैंड के बीच में, बीच में ही क्या हो जाता है, यहाँ पे वॉर डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, ये हो गया वॉर डिक्लेयर जर्मन्स और इंग्लैंड के बीच में। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है,
अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो दो कंपनी है, अब इस केस में क्रेडिट बैलेंस दिखे जा रहा है, तो ये जर्मन जो कंटिनेंटल टायर कंपनी है, रबर कंपनी है ना, वो फोन लगा दिया डेमलर कंपनी को, हाँ सुनना मेरा जो पेमेंट है ना, मैंने जो तुमको टायर सप्लाई किया था मुझे उसका पेमेंट चाहिए भैया। अभी उसने उसको फोन किया, भैया मेरे को पेमेंट लगेगा, मेरे को आज कैच वो पेमेंट लगेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। कौन बोल रहे? कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। तो ऐसे सिचुएशन में डेमलर एंड कंपनी क्या बोलती है? भैया देखो मैं तुमको पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं हूं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये वॉर की सिचुएशन बिटवीन इंग्लैंड एंड बिटवीन इंग्लैंड एंड कौन? जर्मन्स। तो मैं आपको पेमेंट देने के लिए लायबल नहीं हूं, क्योंकि अभी आप कौन हो? हमारे एनिमी हो, आप एलियन एनिमी हो हमारे, इसलिए हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, बोल दिया सीधा डेमलर एंड कंपनी ने। तो ऐसे सिचुएशन में कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में और बोलती है, देखो जज साहब आपको तो पता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, आप तो इंद्रेश गांधी सर से पढ़ के आए हो, आप तो जानते हो ना कि यहां पे क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब हम जर्मन्स लोग और कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, ये तो अलग-अलग लोग हैं, हमारा आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। तो हाउस ऑफ जो कोर्ट ऑफ लॉ है ना वो बोलता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या बोलता है देखो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोल क्या बोलता है कि अब ऐसा सिचुएशन जब वॉर की सिचुएशन आ गई है, तो अब सिचुएशन हो गई कि अब हम लोग लिफ्ट करेंगे कॉर्पोरेट वेल को, आपके सामने जो पर्दा है ना मेरे दोस्तों, ये पर्दे को उठा लिया जाएगा और देख लिया जाएगा कि आखिर इसके पीछे है कौन। अब हम देखेंगे कि आखिर इसके मतलब जो कंपनी के पीछे एक्चुअल कारोबार किसके हाथ में। जब उठाया पर्दा तो उन्होंने देखा कि इसमें सब तो नाम के लिए, केवल नाम, देखो इनकॉर्पोरेट इंग्लैंड में हुई इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो इंग्लिश कंपनी हो गई करके, ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं है। कोई चल के इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर देगा तो वो क्या इंडियन कंपनी बन जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। उस पर हाँ लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे इंडियन कंपनी के, लेकिन वो इंडियन कंपनी नहीं बोलेंगे हम लोग, फॉरेन से आई है भैया, वो विदेशी कंपनी है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा और ये एलियन एनिमी ट्रीट किया जाएगा और इसको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ये होता है कौन सा? सबसे पहला जो डिमलर एंड कंपनी एंड कंटिनेंटल टायर रबर। चलिए आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, मैंने क्या बोला था, इंग्लैंड में ये जो भी सिचुएशन चल रही है पूरी इंग्लैंड में चल रही है। इंग्लैंड में क्या हुआ बताऊँ आपको? कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी करके एक कंपनी होती है जिसके मेंबर्स में से एक मेंबर होता है इंग्लैंड का, बाकी सारे जर्मन्स, मैनेजमेंट भी किसके हाथ में? जर्मन्स के हाथ में। वो ट्रांजेक्शन करते हैं इंग्लैंड की कंपनी के साथ जिसका नाम है डेमलर एंड कंपनी। अब डेमलर एंड कंपनी के अकाउंट में जब हम देख रहे हैं तो उनके इसमें क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है इसके नाम से, किसके? सिटी के नाम से, कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के नाम से। तो उन्होंने, हम लोग क्या बोलेंगे फिर ऐसे सिचुएशन में, हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि एक काम करो ना भैया, मतलब वी आर लाइबल टू पे। तो लेकिन बीच में ही क्या हो जाता है? वॉर डिक्लेयर हो जाता है। अब वॉर अगर जैसे ही डिक्लेयर हुआ, वॉर डिक्लेयर हुआ मतलब ही अपने को क्या करना है अभी भैया, सेफ हो जाओ। वॉर डिक्लेयर हुआ मतलब एलियन एमनी से अपने को कोई ट्रांजैक्शंस नहीं करना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करोगे। हाँ जब वो फिर से वॉर वाली सिचुएशन शांत हो जाएंगे और फ्रेंड बन जाओगे फिर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट ओवरलॉन्ग का पहला हमने कंसेप्ट देख लिया है, ठीक है। चलो देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले कैरेक्टर टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी इज एनिमी और फ्रेंड, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल होने वाला है। इन द लॉ रिगार्डिंग टू द ट्रेडिंग विद द एनिमी वेयर देर इज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड, द लीडिंग केस इज द पॉइंट डेमलर एंड डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेज कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी जियोपार्डी, कोर्ट मे बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल। कॉर्पोरेट शेल मतलब एक कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इट मे बी रेंट द वेल फॉर एसर्टनिंग वेदर द कंपनी इज एन एनिमी कंपनी। इट इज ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन अ कंपनी डज नॉट हैव माइंड कंसाइंस, देयर फॉर इट कैनॉट बी अ फ्रेंड और फोफो मतलब एनिमी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब क्या वो नेचुरल पर्सन नहीं है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के इतना माइंड नहीं रहता है, ठीक है, वो जानने के लिए। तो इट मे हाउएवर बी कैरेक्टराइज एज एन एनिमी कंपनी इफ द अफेयर्स आर कंट्रोल बाय द पीपल ऑफ एनिमी कंट्री। देखो अफेयर्स मतलब, देखो मैंने आपको बताया था ना इसमें जो अफेयर्स है, जो मैनेजमेंट है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी कौन मैनेज, जो कंपनी के जितने भी अफेयर्स है उसको मैनेज कौन करता है भैया? कंपनी, कंपनी का मैनेजमेंट करता है उसको, ठीक है। तो अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो कंट्रोल कर रहा है, हम लोग उसको झाँक के देखेंगे कि आखिर ये है कौन। अगर वो हमारे एलियन है, अगर वो हमारा एनिमी निकल गया ना, तो खत्म हो गई बात, हम उसके साथ लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा, हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, फॉर दिस पर्पज द कोर्ट में एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी हु आर रियली एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द कोर्ट में एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु आर रियली एट द हेल्म। हु आर रियली एट द हेल्म मतलब क्या? हेल्म मतलब क्या? हु आर एट द चार्ज, हु आर एट द चार्ज ऑफ द कंपनी अफेयर्स करके, ठीक है, चार्ज ऑफ कंपनी अफेयर्स करके, ठीक है। चलिए, हो गया हमारा
पहला वाला पार्ट, मतलब क्या जब अपने को कैरेक्टर डिसाइड करना है कंपनी का कि भैया आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू। टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू स्लैश टैक्स के लिए भी हम लोग मान लेंगे कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, दिनशा मानिक जी पेटिट वर्सेस सीआईटी का कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा सा, आपको अच्छे से समझा के बताऊंगा, आपको मेरे साथ ड्रॉ करना होगा चीजें, ठीक है। देखिए लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक इल्यूजनरी टैक्स एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए हमारे इंडिया जो है ना, इंडिया में जो हमारी स्लैब्स है और यहां पे टैक्स रेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर आप 0 से 10 लाख तक कमाते हो तो आपको 10% टैक्स देना है, और आप 10 लाख से ऊपर कमाते हो अप टू इंफिनिटी तो आपको 20% का टैक्स लाभ देना है, ठीक है। मान लो ऐसा सीधा सीधा मान लो ना, खत्म हो गई बात, ज्यादा लोड नहीं लेने का, है ना। 10 लाख के ऊपर अगर गया तो आपको 20% लगने वाला है। अब क्या होता है देखो, ये मैंने एग्जांपल इल्यूजनरी क्रिएट करो, लेकिन अब जो बात, ये जो टैक्स रेट लिया ना मैंने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया हूं मैंने अभी, ठीक है। लेकिन अब जो एक केस लॉ आया वो कौन सा आया आपको बताता हूं, दिनशा मैनिक जी पेटिट का जो केस लॉ है ना वो देखो। दिनशा मैनिक जी पेटिट का केस लॉ क्या बोलता है, एक है ना पर्सन थे दिनशा जी करके, एक पर्सन थे जिनका नाम था क्या, दिनशा मैनिक जी पेटिट, बहुत रिच, भयंकर रिच, मतलब क्या बताऊं आपको, एकदम मतलब ऐसा गोल्ड वोल्ड का पहन के, देखो ये देखो गोल्ड का मुकुट और एकदम हाथ में बैंगल्स वैंगल्स सब ऐसा गोल्ड वोल्ड पहन के घूमता था भैया, बहुत ही रिच, मतलब क्या बताऊं आपको, ठीक है। क्यों रिच, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी इनकम उतनी थी ना, उसकी जब हमने देखा ना, उसकी जो PNL वगैरह हमने देखा तो बहुत ह्यूज इनकम दिख रही थी, बहुत डिविडेंड की इनकम, रेंट की इनकम, बहुत सारी इनकम दिख रही थी उसके, उसमें डिविडेंड की तो इतनी ह्यूज इनकम दिख रही थी, क्या बताऊं। डिविडेंड की इनकम मतलब क्या, उसने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदा होगा, अब उसने शेयर्स खरीदा तो कंपनी ने जब प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ डिविडेंड तो उसको डिविडेंड मिला, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए उसको, फॉर एग्जांपल आपको ले रहा हूं, ठीक है, 40 लाख का उसको साल भर में उसकी कमाई हो रही है, क्या हो रही है, 40 लाख की उसकी कमाई हो रही है भैया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है, देखो पहले 10 लाख तक, पहला जो 10 लाख है 0 से 10 लाख उस पे उसको 10% लगेगा, मतलब ये हो गया 1 लाख रुपए, और जो 10 लाख से 40 लाख है मतलब टोटल कितना हुआ 30 लाख, 30 लाख पे उसको लगेगा 20%, मतलब 6 लाख, उसका टोटल टैक्स आता है 7 लाख रुपए का, आ गया बराबर। अब ये सोचता है दिनशा मैनिक जी कि यार मेरे को इतना लमसम टैक्स लग रहा है, मैं क्या करूं यार करके, मुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा। जो देखो टैक्स का जो पेमेंट हो रहा है वो अपने इनकम पे सीधा इफेक्ट, ये इनकम टैक्स है, अपने जेब पे सीधा सीधा फर्क पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है कि आपको पता नहीं चला, आपको पूरी हर चीज की खबर होती है क्योंकि आप अपने हाथ से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो मेरे यारों, ठीक है। आप लोग भी करोगे ना, आप लोग भी अपने क्लाइंट लोग का करोगे, एक बार आप फटाफट सीए बन जाओ फिर आप लोग भी करोगे, है ना। देखो अब ये दिनशा मैनिक जी पेटिट ने लगाया अपना दिमाग, अपना खुराफाती दिमाग लगाया इसने, देखो भैया जितने भी लोगों की सब ऐसी ज्यादा ह्यूज इनकम्स होती है ना, उनका दिमाग इसी में चलता है कि कहाँ मेरा पैसा बच सके और कहाँ से मैं ज्यादा कमा सकूँ, ये दो चीजों में उनका दिमाग चलता है, ठीक है। तो इसने अपना दिमाग चलाया और इसने क्या किया पता है आपको, इसने क्या कर दिया, इसने वो चीज की जो किसी ने सोचा भी नहीं था, इवन कोर्ट ऑफ लॉ ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी चीज भी हो सकती है करके, इसने क्या किया, भकाभक 3 कंपनीज खड़ी कर दी, ठीक है, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2 और कंपनी नंबर 3, 3 कंपनीज कर दी इसने खड़ी, और अपने पास जितने भी शेयर्स थे ना उनको अपने हिस्से के पूरे शेयर्स, क्या बोला मैंने, अपने पास जितने भी शेयर्स थे उसको डिवाइड कर दिया, इस तरह डिवाइड किया कि इसकी इनकम 10 लाख रहे, इसकी इनकम 10 लाख रहे, इसकी इनकम 10 लाख रहे और इसकी इनकम 10 लाख रहे, 40 लाख टोटल इनकम थी ना, चारों में बराबर उसने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। और क्या करता था, 10 लाख पे इसने सपोज मान लीजिए इस पे 10% का टैक्स है, 1 लाख पे किया इसने, देखो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा, 7 लाख पे किया, यहाँ पे 1 लाख पे करेगा, यहाँ पे भी 1 लाख पे करेगा, यहाँ पे भी 1 लाख पे करेगा, मतलब क्या टोटल 4 लाख ही टैक्स पे कर रहा है वहां पे, तो 7 लाख, 3 लाख का सीधा सीधा बचत कर लिया इसने। ऐसी कंपनीज, क्योंकि कंपनीज क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग दर्जा होता है, ऑब्वियस बात है अलग दर्जा है तो उनका टैक्स भी अलग लगेगा, सब कुछ अलग ही होगा ना, क्योंकि उसको हम नेचुरल पर्सन
सा नहीं लेकिन आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन, एक दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन टाइप ही हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसने एकदम बढ़िया सेट, बहुत ही बढ़िया सेट हो गया उसका खेल, एक नंबर। फिर इसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया चारों आरओ कंपनी को और भेज दिया अपने ऑफिसर को। जब सीआईटी देख रहा है कि यार हर साल तो ये इतना लमसम टैक्स पे करता था, इस साल ऐसा क्या हो गया कि इस साल ऐसा ऐसा भी नहीं कि जनरल ट्रेड डिप्रेशन आया इकोनॉमी में, कि इसके शेयर के प्राइसेस या इसको डिविडेंड नहीं मिला, सब कुछ तो मिला है। तो उसने जब झांक के देखा तो उसने देखा ये जो ये जितने भी कंपनीज है ना, ये सबके सब शेल कंपनीज क्रिएट की गई थी इसी कंपनी, या कंपनी का सोल पर्पस ही था। क्या पर्पस था ये कंपनी का, कि यहां पे टैक्स की चोरी कराना। ये कंपनी का सोल पर्पस था कि टैक्स की चोरी करना है भैया हमको, और कुछ नहीं करना है। ये टैक्स आता था 10 लाख रुपए डिविडेंड आता था, 1 लाख गवर्नमेंट को दिया, 9 लाख ये लोग क्या करते थे, जो बचा कुचा बैलेंस था ना, ये 9 लाख रुपए, ये जो बचा हुआ बैलेंस रहता था 9 लाख रुपए, ठीक है, ये 9 लाख का ये लोग क्या करते थे आपको बताता हूँ मैं, आप अपने हो इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये 9 लाख रुपए है ना, ये दिनशा मैनेजी बेटेट को एज अ लोन करके जाते थे, लोन करके बता दिया जाता था उनको। देखा, ऐसा दिमाग लगाते हैं लोग लॉ तोड़ने के लिए, मतलब कुछ भी सोचा। आप लोगों ने ऐसा सोचा था क्या ऐसा हो सकता है करके, नहीं सोचा था आपने, पर हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखो, ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, उसका टैक्स भी बचा लेकिन डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ ना, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं चलेगा। ये जो देखो, अगर ये कंपनी कुछ धंधा करने के लिए करती और वो धंधा करके पैसा वैसा कमाती तो वो बात अलग रह जाती, हम वो जेन्युइन केस रहता, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है ना वो जेन्युइन केस नहीं है भैया। ये कंपनीज आपने बनाई है ताकि आप टैक्स की चोरी कर सको, और कोई रीजन ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर से क्या होगा, आपका लिफ्ट कर दिया जाएगा, क्या कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा। देखते हैं ये वाला प्रोविजन पढ़ के आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो, इन सर्टन मैटर्स रिगार्डिंग द लॉ ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज एंड स्टैम्प्स पर्टिकुलरली वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज इशू, ठीक है, उसके बाद वेयर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इवेट टैक्स और सर्कमस्टांसेस, मतलब क्या कंपनी 1, 2, 3 क्या बोला यहां पर, कंपनी 1, 2, 3 वो कॉर्पोरेट एंटिटी को यूज किया था टू इवेट टैक्सेस। इवेट टैक्सेस मतलब क्या, टैक्सेस की चोरी करना, ठीक है। द कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब कोर्ट बोलेंगे कि ये कॉर्पोरेट एंटिटी है नहीं, मान लिया जाएगा जो इसकी इनकम है वो इसके इसके पीछे जो एक्चुअल हैंड्स है ना उनकी इनकम है। नेक्स्ट, इन दिनशा मैनेजी बेटेट इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट जेन्युइन कंपनी एज ऑल एट ऑल बट मेयरली असेसी हिमसेल्फ डिस्गाइज्ड अंडर द लीगल एंटिटी ऑफ द लिमिटेड कंपनी, जानबूझ के, मतलब उसने छुपाने के लिए ये सब चीजें कंपनी खोला उसने, ठीक है। द असेसी अर्न्ड ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, सो ही ओपन्ड ऑन सब कंपनीज एंड परचेज देयर शेयर इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। The income was transferred back to the assessee by way of loan. मैंने आपको बताया example डायग्राम में, आपको पूरे हर चीज एक्सप्लेन किया मैंने डायग्राम में, डायग्राम को शिद्दत से बनाऊंगा बिल्कुल, मैं आपको टाइम दूंगा बनाने के लिए, चिंता मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, द कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्राइवेट कंपनीज वेर शैम, प्राइवेट कंपनीज वेर शैम मतलब एज अ फ्रॉड करके ये कंपनी बनाई गई है, इसका कोई और मकसद ही नहीं था, ये कंपनी आने, ये कंपनी को लाया ही गया, ये कंपनी का जन्म ही हुआ है फ्रॉड करने के लिए, ठीक है। एंड द कॉर्पोरेट वेल वॉज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम करके, राइट right? चलो, बहुत ही बढ़िया, बराबर, ठीक है, हो गया, ये दूसरा हो गया। एक बार आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए फटाफट, बिल्कुल आप ये इंडिया, अच्छा ये लो ड्रॉ कर लीजिए इसको, ये लो, अच्छा आपको फुल स्क्रीन कर दूँ क्या मैं, लो फटाफट इसको फोटो ले लो और इसको बाद में आराम से लिखना, या स्क्रीनशॉट ले लो, या जो वीडियो देख रहे हो वो स्टॉप करके भी कर सकते हैं, इसको भी कर लो। हो गया, चल, आइए फिर आता है तीसरा, थर्ड वाला, जिसमें आपको कॉर्पोरेट एंटिटी, पहला हमने देखा क्या वो फ्रेंड एनिमी वाला, दूसरा हमने देखा रेवेन्यू टैक्स को बचाने के लिए, और तीसरा भी हम देखने जा रहे हैं टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए भी किया जाता है तीसरा, टू अवॉइड लीगेशन। इसमें एक केस लॉ है जो है कौन सा, द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज भावनगर वर्सेस द एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनादर, ठीक है। इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं ये क्या है करके, केस लो थोड़ा इंपॉर्टेंट केस लो है, ध्यान देना, आप पढ़ोगे अभी
आईपीसीसी में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट करके, आईपीसीसी में आपको आता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ठीक है। देखो क्या होता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, या जनरली कंपनी बोनस एक्ट में क्या दिया गया है कि अगर कोई कंपनी है मान लीजिए, तो उसका एक उसका जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा ना, तो वो नेट प्रॉफिट का एक रिस्पेक्टिव परसेंटेज, मान लीजिए परसेंटेज सपोज 20% है, वो आपको देना होगा। नेट प्रॉफिट का जितना भी होगा उसका 20% आपको बोनस बांटना पड़ेगा आपके वर्कमैन को, ठीक है, ऐसा बोल दिया गया, ये लॉ में लिखा है। अब क्या हुआ, जो ये केस लॉ है, क्या कौन सा अपना ये वाला, हाँ रबर इंडस्ट्रीज भावनगर वाला, ये केस लॉ बड़ा ही खास है। ये केस लॉ में क्या होता है, देखो यहां पे अच्छे से ध्यान देना इसको बच्चों, इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जितने भी केस लॉस है ना ये इंपॉर्टेंट है, मैं अपने बुक में सिर्फ उतने ही केस लॉस इनकॉर्पोरेट किया हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है करके, बाकी जो फालतू के केस लॉस है वो मैं लिया नहीं हूँ, जितना अपने इंस्टीट्यूट ने बोला है उतना ही पढ़ के जाने का, फालतू ज़्यादा पढ़ के नहीं जाने का, है ना, पहले पढ़ाई तो पूरी मगजमारी रहती है, क्यों जबरदस्ती, है ना, चलो जितना बोला उतना पढ़ेंगे अपन, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, लेकिन क्योंकि जो आता है इसी में से आता है, इसके बाहर कुछ नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। देखो ये है एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज, ठीक है, एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज के बहुत सारे हैं वर्कमैन, बहुत सारे वर्कमैन हैं एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज के, क्या है बहुत सारे वर्कमैन हैं, ये तो खेल हो गया हमारे साथ, कहाँ गए, हाँ बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे हैं, ठीक है, ये सब वर्कर्स हैं, ठीक है, मैनी मैनी एंड मैनी। अब क्या होता है, जितना भी नेट प्रॉफिट साल भर का, देखो आपने क्रेडिट करते हो आप डेबिट करते हो और आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलता है, आपने एक्सपेंसेस याद आ ले, आपने अपनी इनकम यहाँ पे बताई इसके पीएनएल में, और आपका जितना भी आया नेट प्रॉफिट आएगा, और इस नेट प्रॉफिट का जो 20% होगा वो चले जाएगा पूरे वर्कमैन्स को, जो भी रेट बोलेगा वो पर्टिकुलर एक्ट जो भी रेट बोलेगा वो चले जाएगा इसको। अब क्या होता है आपको एक बात बताऊँ क्या, अब एसोसिएट रबर इंडस्ट्री सोचती है यार देखो अगर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनका बोनस भी बढ़ेगा, और ये बोनस है ना फालतू का मेरे पीछे लचांग है, मतलब जबरदस्ती का खर्चा हो रहा है बेसिकली, और कोई बात नहीं। तो ये एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज क्या करती है, बहुत चालाक है, बहुत ही होशियारपंती करती है, जो इनकी डिविडेंड इनकम थी ना, जो इनकी डिविडेंड इनकम है ना उसको ट्रांसफर कर देती है अपने एसोसिएट कंपनी को, एक एसोसिएट कंपनी एक दूसरी कंपनी खोलती है अपने अंडर ही, एक सब्सिडरी खोलती है, मान लीजिए एक सब्सिडरी, देखिए क्या करती है ये सब अच्छे से बताओ, जो एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज है ना ये खुद की एक सब्सिडरी कंपनी खोलती है, ठीक है, उस सब्सिडरी कंपनी को अपने जो सिक्योरिटीज है जिन पे इनको डिबेंचर्स मिलते हैं वो इशू कर देती है, और उनसे बदले में शेयर्स ले लेती है, ठीक है। अब जितने भी डिविडेंड आएंगे वो सब्सिडरी के डिविडेंड बनेंगे, और एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज में क्या डिविडेंड आ रहा है क्या, नहीं, देखो जो सेल होता है उसमें लेबर का हक होता है, लेकिन डिविडेंड वगैरह में तो यार कमाई ये जो होती है ये तो पैसिव इनकम होती है ना, पैसिव इनकम क्यों हो रही है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है। तो एसोसिएट रबर इंडस्ट्री सोचते हैं यार ये हमारे दिमाग के कारण हमने कोई कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और उससे हमको बोनस आ रहा है, तो उसमें मैं वर्कमैन पे क्यों दूं, हाँ जो उन्होंने सेल किया जिनके कारण हमारा प्रोडक्शन अच्छा उन पे मैं देने रेडी हूं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्यों दूं, लेकिन लॉ तो लॉ है, खत्म हो गई बात। तो ऐसे अब क्या किया इन्होंने, अपने एक सब्सिडरी कंपनी खोली, अब सब्सिडरी कंपनी मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब उसके हाथ में रहेगा, वो टैक्स करेंगे और उससे हम लोग डिविडेंड ही नहीं लेंगे, वहां पे अक्यूमुलेट करते रहेंगे बढ़िया डिविडेंड को, उसकी इनकम बढ़ाते रहेंगे, और जब लगा तब देखेंगे, तब उससे लोन करके ले लेंगे, लोन करके लिया मतलब यहाँ पे इन लोगों पे आएंगा ही नहीं वो चीजें, ऐसी देखो ऐसे दिमाग लगाते हैं ये लोग, ऐसा ही रहता है लॉ, ठीक है। देखो तो इन्होंने ऐसा कर दिया, फिर अब क्या हो गया, अब ध्यान से सुनो, अब जब रबर, अब जो ये वर्कर्स हैं इनके, जो वर्कर्स सोच रहे थे भाई इस साल तो हमारा बहुत बढ़िया धंधा हुआ है, इस बार तो देख लिया क्या बोनस मिलेगा, ऐसे दिवाली मनाएंगे, बिन दिवाली के सीजन में भी दिवाली मनाएंगे भैया, ऐसा इन्होंने बोल के रखा था, एकदम घरवाली वगैरह को बोल के रखा था, देखो जो साड़ी चाहिए वो लेके दूंगा, ऐसा वैसा बच्चों के लिए भी खिलौने वगैरह लेके दूंगा सब, और जब इनको बोनस मिला तो इतना कम, ये चौक गई, ये सोचे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा तो बोनस इस बार बहुत होना चाहिए था क्योंकि उधर से डिविडेंड बहुत आया था और इधर भी हमारा धंधा अच्छा हुआ है,
तो क्यों हमें बोनस इतना? तो जब उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा तो उनको एकदम चकाचौंध हो गए, उन्होंने बोला ये हो ही नहीं सकता। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खेल लिया। मतलब जब उनको पता चला कि सब्सिडियरी कंपनी बनाई, सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफर किया, तो बोले ये तो गलत है, वो गए कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ ने डिसीजन दिया कि बिल्कुल सही बात, आपने एक लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए ये पर्टिकुलर चीज, देखो अब ये पहले के इसमें नहीं आ सकता था क्योंकि टैक्स नहीं है, जो बोनस है ना टैक्स का थोड़ी फॉर्म है, ये तो एक अलग लीगल ऑब्लिगेशन आता है। आप कमाई करोगे तो 20% वर्कर्स में बांटना, क्योंकि उन्हीं के कारण आप कमाई कर रहे हो, ऐसे इनका बोलने का मतलब है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जजमेंट कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने क्या बोला, देखो भैया आप कमा के इनके रहे, इनके कारण ही आपने कमाया, आपने कमाया तभी तो आपने कहीं इन्वेस्ट किया, तो जहाँ से आपको, आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो ये वर्कर्स के कारण ही हुआ ना इनडायरेक्टली। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने भैया बोल दिया कि अगर आप कोई लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए ऐसी चीज़ें करोगे ना तो हमको नहीं चलेगा, हम फिर से क्या करेंगे, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर देंगे और मान लेंगे कि जो सब्सिडरी है और जो पेरेंट कंपनी है वो एक ही है। मतलब क्या ये सिचुएशन में कोर्ट ने ऐसा मान लिया कि ये जो है ना भैया, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो है ना ये एक ही कंपनी है। कौन? जो एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज, जो ये रबर इंडस्ट्रीज है और अपना क्या नाम है उसका, कहा गया हाँ रबर इंडस्ट्रीज और उसकी जो सब्सिडरी है वो दोनों एक ही है करके ऐसा मान लिया गया। ये था हमारा केस लॉ, बहुत केस लॉ, ठीक है चलिए पढ़ते हैं इसको बढ़िया आसानी से। Where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use is as a device to reduce the amount paid by the way of the bonus to the workmen, the Supreme Court upheld the piercing of the veil to look into the real transaction. खत्म हो गई बात, मैंने जो आपको समझाया बस वही लिखा है, केस लॉ का नाम दिया है वर्कमैन और इसका केस लॉ को समझाया है इन्होंने कि इन्होंने कैसे कैसे किया है करके, मैंने आपको अच्छे से समझा के दे दिया, वो आप लोग अगर पढ़ेंगे एक बार तो आपको फटाफट चीजें ध्यान में आ जाएंगी। ठीक है चलिए अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट। ठीक है देखो इसमें एक केस लॉ है, कौन सा, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। देखो इसमें है ना ये मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो है, मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो है ना ये एक अपना ये वाली है, क्या बोल सकते हो उसको, ये अपना ये रहता है ना ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है, गुड्स ट्रांसपोर्टिंग कंपनी बोल सकते हो उसको। ठीक है ट्रांसपोर्टिंग कंपनी। अब क्या है, ये ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को अपने रूट्स पे बस चलाने के लिए इनको है ना एक कमीशन, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, मतलब अपना आरटीओ टाइप नहीं होता है क्या वैसे, इनसे इनको लेना पड़ता है पहले क्या, अपना सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो उसके बाद एक बार ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन से जब इनको सर्टिफिकेट मिलेगा तभी इनकी जितनी भी जो गाड़ियां रहेंगी ना, तभी इनकी जो गाड़ियां रहेंगी ना वो लोग वो चल पाएंगी, अदरवाइज वो नहीं चल पाएंगी। ठीक है जितनी भी जो गाड़ियां, आपको समझ जाना यार, अच्छे अच्छी कार बनाया मैंने एकदम भारी बनाया तो हाँ चलो देखो, तो आपको क्या ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी अब क्या कर सकती है, कार को है जब ये कार, ये जो है ना इनकी वैन, ये जो इनको घुमा सकती है कब, जब उनको सर्टिफिकेट मिला। अगर सर्टिफिकेट ही नहीं मिला भैया तो आपको खत्म हो गई बात, सर्टिफिकेट ही नहीं मिला तो आप लोग नहीं कर सकते धंधा। अब क्या हुआ, ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है जाती है कमीशन के पास, बोलती है हमको सर्टिफिकेट दो करके, और ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन मना कर देता है, नहीं भैया आपके जितना हमको याद आ रहा है पास्ट में आपके व्यवहार बड़े खराब रहे, अब हम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है। तो MTL अपना दिमाग लगा दिया, मतलब कौन, अब ये जो मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अपना दिमाग लगाती है, ये क्या कर लेती है, ध्यान दीजिएगा, ये कर लेती है एक कंपनी खोल लेती है, अपनी सब्सिडियरी बना के कंपनी खोल लेती है और यहां से अप्लाई कराती है उनको, यहां से अप्लाई कराती है उनको। ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा और बोलेंगे हम लोग कि ये जो है ना भैया, ये जो आपने गड़बड़ की है ना ये ठीक नहीं है, क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो आपने गड़बड़ की है ना ये एक ही कंपनी मान ली जाएंगी, ये जो है ना ये एक ही कंपनी मान ली जाएंगी और इनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ऐसा ही सेम केस लॉ में बोला गया है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट करके। ठीक है द कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर्स और द अनदर कंपनी एंड में देयरफॉर बी डीम्ड टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी इन द फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। हियर द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो उसने सब्सिडरी खोला ना उसके एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल मतलब MTC लायबल रहेगा, कौन सी, अपनी जो ये कंपनी है ना अपना मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, वो लायबल रहेगा।
इन केस ऑफ द मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इन केस ऑफ द मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एंड ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वॉन्टेड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल बट कुड नॉट डू सो इफ अप्लाइड इन इट्स ओन नेम. इट देयरफॉर फॉर्मड अ सब्सिडियरी कंपनी, मैंने जो बताया आपको वैसा ही. एंड द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस वॉज मेड इन द नेम ऑफ सब्सिडियरी. The vehicles were to be transferred to the subsidiary company held the parent and subsidiary were one commercial unit and application for license was rejected. करके ऐसे ऐसे होते हैं भैया. ठीक है, देखो फिर से आपको बता देता हूँ. सबसे पहले अपना कैरेक्टर ऑफ द कंपनी डिटरमाइन करने के लिए अपन ने देखा था, दूसरा टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू देखा था, तीसरा अपन ने देखा था लीगल ऑब्लिगेशन वाला देखा था, और चौथा अपन ने देखा सब्सिडियरी वाला देखा, जिसमें एमटीसी वाला अपने देखा था ना, बीटीसी और एमटीएल, मतलब क्या मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेज ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन करके ये वाला केस लॉ हमने देखा. मजा आ गया ये केस लॉ में भी. ठीक है, चलिए अब आखिरी आता है फॉर्म फॉर इम्प्रॉपर और कंडक्ट टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ करके. इसका केस लॉ है गिलफ्रॉड मोटर वर्सेस हॉर्न. केस लॉ फिर से बोल रहा हूं, आपको लर्न करने की जरूरत है केस लॉ. देखो गिलफ्रॉड मोटर वर्सेस हॉर्न, एक है ना कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी. क्या नाम है उसका? गिलफ्रॉड मोटर कंपनी. ठीक है, ये जो गिलफ्रॉड मोटर कंपनी है ना, ये अपने सीईओ को या ये अपने एक एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे एक पर्सन को अपॉइंट करती है जिसका नाम है हॉर्न करके. जिसका क्या नाम है? हॉर्न. मान लीजिए वो सीईओ है. ठीक है, सीईओ तो नहीं बोल सकते, सीएफओ सीईओ ऐसा कुछ बोल नहीं सकते अपन. मान लीजिए सीनियर मैनेजर है. क्या है? सीनियर मैनेजर. ठीक है, अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा. अब असली खेल चालू हो रहा है. जब ये सीनियर मैनेजर बना ना, तो इन्होंने गिलफ्रॉड मोटर कंपनी ने इनसे साइन करा के ले लिया हॉर्न से कि अगर आप हमारी कंपनी छोड़ते हो तो आप 2 साल तक किसी और, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना कि आप कोई खुद का धंधा कर सकते हो इतने इतने एरिया के. इसमें इन्होंने बोल के रख दिया, और ऐसा अलाउड होता है, लॉ ऐसा बोलता है कि आप लोग कर सकते हो. डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है आप कर ही सकते हो, नहीं तो ये सीनियर मैनेजर को पूरी सीक्रेट्स पता रहेंगी और फिर वो कल जाके उसके एक अगेंस्ट एक बढ़िया कॉम्पिटिटर खोल देंगे और खुद कमा लेंगे. ऐसा नहीं चलेगा. तो लॉ बोलता है आप लोग ऐसा कर सकते हो, अगर आपको करना है तो किसी दूसरे को आप अप्लाई कर सकते हो करके. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? अब क्या हुआ, ये क्या करता है, जो सीनियर मैनेजर है ना हॉर्न, ये नौकरी छोड़ देता है गिलफ्रॉड की, नौकरी छोड़ देता है और आ जाता है बाहर. और बाहर आने के बाद क्या करता है, एक कंपनी खोल देता है, एक कंपनी खोल देता है भैया. जो क्या रहती है, इसके कंपटीशन में रहती है. उसको पता था मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं कंपनी खोल लेता हूं लीगल एंटिटी के फीचर्स के हिसाब से मैं और कंपनी अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे, और मैं और कंपनी अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे तो मैं धंधा कर पाऊंगा कंपनी में. और खुद उसका सीईओ अपॉइंट खुद को ही कर लेता है वो, ऑब्वियस ही बात है, उसने कंपनी बनाया है तो खुद को अपॉइंट कर लेता है और धंधा करना चालू करता है. गिलफ्रॉड मोटर को पता लगता है और वो केस ठोक देता है किसके ऊपर? ऑब्वियस ही बात है, हॉर्न के ऊपर केस ठोक देता है भैया. ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ने बोला कि हाँ बात सही है, आपने जो ये किया ना, आपने फ्रॉड करने के लिए आपने क्या किया, प्रोविजन जो लॉ में जो आपने प्रोविजन आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हुए थे ना, उस पर्टिकुलर चीज को डिफीट करने के लिए आपने ये हरकत की है. ऐसे सिचुएशन में हम लोग उठाएंगे पर्दा किसका, वो जो कंपनी खोली है किसने, हॉर्न ने, और हम लोग बोलेंगे कि आप हो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और आपके लिए हम लोग लाएंगे पीनल पनिशमेंट्स करके हम लाएंगे करके. तो ये होता है सिचुएशन कौन सा, तीसरा वाला, जिसका नाम है कौन सा, कंपनी फॉर्म फॉर द इम्प्रॉपर फॉर फ्रॉड इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू बी डिफीट द लॉ. वेयर द डिवाइस फॉर इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पज, एग्जाम्पल टू डिफीट और सर्कमवेंट लॉ, टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोल देंगे कि आप लाइबल हो जाओगे. ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करने वाले हैं एक बार. लेकिन जाने से पहले मैं आपको पूरा रिवीजन करा के जाता हूँ अभी तक हमने क्या क्या देखा है उस चीज का. ठीक है, चलो आ जाओ.
सबसे पहले अपन ने देखा था कंपनीज एक्ट 2000। देखो आपको हर चीज़ ध्यान में रहेंगी, अब मैं जितने बार अपन रिविजन करेंगे ना ऐसे आपको चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको एक ही चीज़ करना, आपको मेरे साथ बोलना होगा। आप जितने लाउडली बोलो, आप क्लास में बैठे हो लाउडली बोलो, आप घर पर बैठे हो लाउडली बोलो, आप देख रहे हो तो लाउडली बोलना है। अगर देखो एक सीक्रेट है, मैं आपको बताऊँ क्या, अगर आपको 50 के ऊपर मार्क्स लाना है ना लॉ में, तो आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो, जितने ज़्यादा आप ऐसे बोल सकते हो मेरे साथ, जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप रिटेन करके जाओगे एग्जाम तक, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मार्क्स नहीं आते यार। आप नहीं लिख के होंगे तो मार्क्स कहाँ से दे सामने वाला आपको, ऑब्वियसली बात है। और इंग्लिश बहुत आसान आता है उसमें, जो बिजनेस कम्युनिकेशन वो बहुत ईजी आता है आपको, मैं बता दे रहा हूँ आपको। मार्क्स कम होते हैं तो इसी सब्जेक्ट के कारण होते हैं, ध्यान रखना, फेल होते हैं तो इसी सब्जेक्ट के कारण होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शन और उसके साथ साथ 7 शेड्यूल से जिनको डिवाइड किया है, कितने चैप्टर्स में, बोलो मेरे साथ बच्चों, कितने चैप्टर्स में, 29 चैप्टर्स में। और फिर हमने देखा था पर्पस ऑफ द एक्ट, पर्पस ऑफ द एक्ट के बाद हमने डेफिनेशन देखा, एक बहुत ही वाहियत डेफिनेशन एज पर सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आई थी, जो क्या बोलती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ करके। उसके बाद हम लोग एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट में बात करें तो एज इट इज डेफिनेशन, जो खराब वाली डेफिनेशन है वो ले लो। फिर उसके बाद हमने देखा था कौन सा इंश्योरेंस बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इनका खुद का एक्ट और कंपनी एक्ट के बीच में घमासान युद्ध होता है, तो जीतेगा कौन, उनका खुद का एक्ट। उसके बाद हमने देखा था स्पेशल एक्ट और आखिरी में हमने बात कर ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी को स्पेसिफाई करती है, जैसे कोई फेसबुक कंपनी इंडिया में ऑफिस डालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगना चाहिए, तो खत्म हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने फीचर्स देखा था, फीचर्स आया तो आपको दो बार तालियां बजाना और आपको बोलना है क्लैप्स करके। सी से हमारा क्या था, सी से कॉमन सील था, ठीक है। उसके बाद एल से लिमिटेड लायबिलिटी था, ए से आर्टिफिशियल पर्सन था, पी से परपेचुअल सक्सेशन था और एस से हमारा था सेपरेट लीगल एंटिटी। कर लगा बेटा, चला चला बढ़ूया, आगे बढ़ूया। उसके बाद हमने कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी देखा था, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी मतलब पर्दा होता है, सब पर्दा, पर्दा गिर गया तो मॉइस्चर उड़ जाएगा, बस वाली बात थी यहाँ पे, और कुछ नहीं। उसमें हमने सलमान वर्सेस सलमान का केस लॉ देखा था, लैंडमार्क जजमेंट था भैया, ध्यान रखिएगा, सलमान वर्सेस सलमान का मैंने आपको समझाया था ड्रॉइंग से पूरा अच्छे से। फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में केवल 5 केसेस होती है जहाँ पे लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा, पहले टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कैरेक्टर ऑफ द कंपनी मतलब क्या, वो एनिमी है कि फ्रेंड है, वो डिसाइड करें। दूसरा टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू, प्रोटेक्ट द रेवेन्यू में दिनशा मैनेजी पेटिट का केस था, पहले वाले इसमें कौन सा केस था हमारा, डेमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी। उसके बाद तीसरा हमने देखा था टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, अगर आप कुछ काम करते हो जैसे वर्कमैन एम्प्लॉयड वाला इन वो एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज भावनगर वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज करके, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था चौथा फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट मतलब क्या, कि अगर जैसे हमने वो केस देखा था किसका, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी का, वो एक सब्सिडरी खोलता है, सब्सिडरी से सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है और वो नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या था, फिर था कंपनी फॉर्म बाय द प्रॉपर और इम्प्रॉपर कमर्ट टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, जैसे हमने एक केस देखा था गिलफ्रॉड मोटर वर्सेस ऑन, हॉर्न छोड़ के जाता है, खुद की कंपनी खोलता है, ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पे आपने नॉन कम्पीट के प्रोविजंस, नॉन कम्पीट जो कॉन्ट्रैक्ट किया आपने उसको साइन करके रखा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपने अभी तक हमने पूरा देख लिया, अच्छे से हमने पूरा हर चीज़ कवर कर दी है, हमने जितना अच्छे से इस चीज़ को रिवाइज कीजिए, मैं आपको इस और ये भी चीज़ें भेजूंगा, जैसा मतलब क्वेश्चंस भी भेजूंगा मैं आपके लिए। जो नेक्स्ट क्लास है ना, हम लोग आखिरी में सबसे जो हमारी आखिरी क्लास होंगे ना उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से, बिल्कुल जितने भी कंपनीज एक्ट पे क्वेश्चन आते हैं ना वैसे करेंगे, ठीक है। अभी आप ये चीज़ों को बार बार आप गो थ्रू करते रहिए, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी और जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा, तब आपको ध्यान में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अभी आप ये सिर्फ पॉइंट जितना मैं हाईलाइट करा रहा हूँ वो चीज़ों को आप ध्यान रखिए और बाकी ध्यान मत रखिए, और बाकी अपने नोटबुक को बिल्कुल अप टू डेट रखिएगा मेरे दोस्तों, आपकी नोटबुक्स बिल्कुल अप टू डेट होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फटाक से, बिल्कुल आगे के चीजें और फास्ट फास्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बाय बाय।